तो चलिए आज बात करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। और आप देखिए, ये जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी है, यही बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ मोशन या फिर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ताकि बड़े आराम से हम इस स्टेटमेंट का मतलब समझ सकें। तो उस मतलब को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं हम। तो ये है एक ऑब्जेक्ट, और मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है 1 kg का। और आप ऐसा सोचिए कि ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा था 1 m/s की स्पीड के साथ, ठीक है। तो आप ये देखिए इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, अगर आपसे कोई इसका मोमेंटम पूछे तो हमें पता है मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास है इसका 1 और वेलोसिटी भी इसकी कितनी है 1, तो 1 × 1 1 kg/s ये इसका क्या हो जाएगा मोमेंटम। और यहाँ मैं मोमेंटम के साथ ये आई सिंबल लगा देता हूँ, आई का मतलब होगा इनिशियल मोमेंटम। आपको बात समझ में आ गई कि ये ऑब्जेक्ट इनिशियली जिस वेलोसिटी या स्पीड के साथ चल रहा था, उस हिसाब से हमने इसका इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया। इनिशियल क्यों, क्योंकि अभी मैं क्या करने वाला हूं, इस ऑब्जेक्ट पर पीछे की तरफ से एक फोर्स F लगाने वाला हूं, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रहा था, यानी कि राइट साइड में, और आपने फोर्स भी कहां लगाया, राइट साइड में। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर पहले ही ऑब्जेक्ट राइट साइड में चल रहा था और आपने फोर्स भी राइट साइड में ही लगा दिया, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। मास तो इंक्रीज नहीं करेगा ना, मास तो उतना ही रहेगा। तो मान लीजिए जब आपने ये फोर्स लगाया, तो इस 1 kg ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, सपोज कीजिए वो बढ़ करके हो गई 10 m/s मान लीजिए। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इसका जो मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम, वो क्या होगा, तो उसको मैं अगर PF लिखूं, फाइनल मोमेंटम। फाइनल क्यों, क्योंकि ये अगर आपके लिए इनिशियल स्पीड थी, तो ये आपके लिए क्या होगी, फाइनल स्पीड होगी। और जब आप फाइनल स्पीड को मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम। तो मास तो इसका अब भी कितना है, 1, और आप देखिए वेलोसिटी इसकी हो चुकी है 10, तो 10 × 1 आंसर आ जाएगा 10 kg/s। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कुल मिलाकर के सिनेरियो क्या है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका इनिशियल मोमेंटम इतना था, और आपने उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा दिया, और फोर्स लगाने के बाद उसकी जो स्पीड थी, वेलोसिटी थी, वो इंक्रीज हो गई, इसीलिए उसका मोमेंटम भी इंक्रीज हो गया। और आप ये देख सकते हैं कि शुरुआत का उसका मोमेंटम इतना था और फाइनल उसका मोमेंटम इतना है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, तो आप फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 10 में से जब 1 घटेगा तो आंसर आ जाएगा 9 kg/s। तो ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आया चेंज इन मोमेंटम, जो कि मैंने यहां लिखा है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, मान लीजिए ये फोर्स आपने ऐसे लगाया है कि ऑब्जेक्ट का जो ये चेंज इन मोमेंटम है, ये बेहद कम टाइम में हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, देखो सपोज करो आपने एग्जैक्ट 12:00 और 00 sec पर इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाना शुरू किया था, ठीक है। तो यानी कि एग्जैक्ट 12:00 इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 1 था, आपको बात समझ में आ गई। और फिर आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा दिया, और सपोज कीजिए सिर्फ 1 sec तक आपने फोर्स लगाया, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 sec तक। यानी कि अगर आप 1 sec तक फोर्स लगाते हैं, तो टाइम कितना हो चुका होगा, टाइम हो चुका होगा 12:00 और 1 sec। तो आप देखिएगा
इस वक्त मोमेंटम आपके ऑब्जेक्ट का 1 था और एग्जैक्ट 1 सेकंड के बाद इस टाइम पर आपके ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 10 हो चुका है, यानी कि 9 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का उसके मोमेंटम में क्या आ चुका है, चेंज आ चुका है। तो अब एक चीज आप ध्यान से सोचिए और वो ये कि एक सेकंड का जो टाइम है वो बहुत ही कम होता है, पलक झपकते ही चला जाता है। तो इतने कम टाइम में आप ये देखिए इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई भाई, 1 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो आप खुद सोचिए इतने कम टाइम में अगर वेलोसिटी इतनी ज्यादा चेंज हो जाती है तो आपसे अगर कोई पूछे कि ये फोर्स आपने कम लगाया था कि ज्यादा लगाया था, तो आप बड़े आराम से आंसर दे देंगे कि भाई कम फोर्स नहीं लगाया था, ज्यादा फोर्स लगाया था। क्यों? क्योंकि अगर ये फोर्स कम होता तो स्पीड इतने से इतने बहुत कम टाइम के अंदर इंक्रीज ना कर पाती। ये चीज आपको बड़े आराम से समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर आप स्पीड को 1 से और 10 इंक्रीज करवाना चाहते हैं सपोज कीजिए, और बेहद कम टाइम यानी कि 1 सेकंड में, तो नेचुरली आपको फोर्स पीछे से कम तो नहीं लगाना पड़ेगा। आपको कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा? बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई आप सोच के भी देखिए कि आपके आगे ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आपने इसके ऊपर फोर्स लगाना है, अगर आप पीछे से इसके ऊपर कमजोर सा फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है ये ऑब्जेक्ट चले भी ना, ठीक है। तो आपको पीछे से अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगाना है तभी जाकर के ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, चल सकेगा। और आपने तो देखो सिर्फ इस टाइम से इस टाइम यानी कि केवल 1 सेकंड में ही वेलोसिटी को 1 से कितना कर दिया, 10। तो आप खुद सोचिए कि पीछे से लगाया गया जो फोर्स है वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड का होगा। तो अब आपको इस एग्जाम्पल से एक चीज तो समझ में आ गई होगी और वो ये कि अगर आप कम टाइम के अंदर ज्यादा चेंज इन मोमेंटम चाहते हैं तो आपको अप्लाइड फोर्स की वैल्यू भी कैसी रखनी पड़ेगी, ज्यादा रखनी पड़ेगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि भाई चेंज इन मोमेंटम कम टाइम में ना होकर के ज्यादा टाइम में हो, तो फिर आपको अप्लाइड फोर्स ज्यादा लार्ज करने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज को मैथ से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप क्या चाहते हैं, यही ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंटम 1 से आप 10 ही इंक्रीज करवाना चाहते हैं, यानी कि आपको हर बार 9 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का ही इंक्रीज करवाना है, किसमें, मोमेंटम में। लेकिन सिचुएशन में आपको 2 देता हूं। देखो हमने क्या किया, मान लीजिए 1 से लेकर के 10 यानी कि जो आपका ये चेंज इन मोमेंटम है, मान लीजिए ये कम टाइम में जो है चेंज करवाना है, तो टाइम टेकन जितना कम होगा, आप समझ सकते हैं कि टाइम अगर कम होगा तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा। मैथ भी ऐसा ही बोलता है कि डिनोमिनेटर जितना कम होगा आपके अप्लाइड फोर्स की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा दूसरी सिचुएशन में मैं आपसे कहता हूं कि आपको 1 से और मोमेंटम जो है वो 10 ही लेके जाना है, यानी कि चेंज आपने 9 का ही करना है, लेकिन आप 1 सेकंड में नहीं, सपोज कीजिए इतना चेंज 10 सेकंड में लेकर के आ सकते हैं। तो मैंने टाइम टेकन आप देखिए बढ़ा दिया ना इस बार, तो टाइम अगर बढ़ेगा तो नेचुरली अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मैंने चेंज इन मोमेंटम दोनों केसेस में क्या रख दिया था, सेम रख दिया था, कि टाइम अगर कम लोगे तब भी आपको 9 का ही चेंज करवाना है, और टाइम अगर आप ज्यादा लोगे तब भी आपको 9 का ही क्या लेके आना है, मोमेंटम में चेंज लेकर के आना है। तो यहां से आप देखिएगा, इस एग्जांपल से मुझे उम्मीद है ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि अगर आप मोमेंटम में चेंज करवाना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट के और आप कम टाइम में चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर ज्यादा टाइम में चाहते हैं कि मोमेंटम चेंज हो यानी कि टाइम आप ज्यादा ले सकते हैं, तब आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, तब आपका
कम वैल्यू ऑफ फोर्स से भी काम चल सकता है। तो इस इक्वेशन को अगर हम कुछ इस तरीके से लिख लें, कैसे, देखिएगा, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो इसका मतलब है कि ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें बिल्कुल हजम हो जाएगा। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे ऊपर के रिजल्ट को भी क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। एक बार फिर से देखिए कि आप सपोज कीजिएगा, अब मैं आपके सामने जो बात कहने जा रहा हूं वो ये कहने जा रहा हूं कि आपको चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा चाहिए। सपोज करो, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी जितनी ज्यादा हो सके उतनी ही अच्छी है। क्यों? फाइनल वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका फाइनल मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा, और इसीलिए चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप खुद सोचिएगा कि अगर आप ज्यादा चेंज इन मोमेंटम चाहते हैं, ज्यादा चेंज इन मोमेंटम, तो आपको पीछे से फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा, ज्यादा, यानी कि ज्यादा चेंज इन मोमेंटम के लिए आपको फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा, ज्यादा। और दूसरी बात, अगर मैं ये बोल दूं कि ज्यादा चेंज इन मोमेंटम तो आपको चाहिए ही चाहिए, ऊपर से आप ये कहते हैं कि टाइम भी कम है, यानी कि बेहद कम टाइम में आपको बेहद ज्यादा चेंज इन मोमेंटम चाहिए, तो नेचुरली एक बात आप ध्यान से देखिए, कुछ तो चेंज इन मोमेंटम आपको ज्यादा चाहिए इसीलिए फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, और कुछ आप ये कह रहे हैं कि कम टाइम के अंदर ऐसा होना चाहिए, तो टाइम जितना कम होगा नेचुरली आपको फोर्स क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। और यहां पर तो आप दो दो चीजें बोल रहे हो कि कम टाइम के अंदर ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होना चाहिए, तो नेचुरली फोर्स जो आप पीछे से लगा रहे हैं उसको तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रीमली हाई करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पर पीछे से जितना ज्यादा फोर्स लगेगा वो उतना ही ज्यादा फोर्स कम टाइम के अंदर ज्यादा मोमेंटम को क्या कर सकेगा, चेंज कर सकेगा। और देखिए, इसी बात को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है m मास का जो शुरू में u वेलोसिटी के साथ इस तरफ क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। फिर आपने क्या किया, इसी m मास के ऑब्जेक्ट पर पीछे से यू एक f फोर्स लगाया, और इस f फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u से बढ़ा करके v कर दी, और इतनी वेलोसिटी बढ़ने में सपोज कीजिए t टाइम लग गया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए, इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू यू, और इसी ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू वी। तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम आप घटा दीजिए एम वी माइनस एम यू, तो यह आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। और इतना मोमेंटम चेंज होने में आप ये देखिए टाइम कितना लगा, t, क्योंकि t टाइम में ही तो वेलोसिटी u से बढ़कर के v हुई है, तो जितने टाइम में वेलोसिटी बढ़कर के u से v हुई है तो उतने टाइम में ही तो आपका मोमेंटम भी mu से कितना हुआ है, mv। सो चेंज इन मोमेंटम और उस मोमेंटम को चेंज होने में टाइम कितना लगा, दोनों का हमने डिवीजन ले लिया, वो चीज किसके बराबर होती है, f के बराबर होती है, ये हम पीछे देख चुके हैं। तो जब आप m यहां से कॉमन लेंगे तो v माइनस यू और बाय टी ये बच गया, और जो ये v माइनस यू बाय टी है इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, यानी कि u से v वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगा था, तो चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम ही तो क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो इसीलिए v माइनस यू बाय टी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया, तो m यहां पर पहले ही था, तो ये m है और ये सारी चीज आपकी a बन गई, सो m इंटू ए, सो f इज इक्वल टू एम ए। तो हम
जो हमारा ये मान के चल लीजिए आप कि जो हम चीज़ बोल रहे थे कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बटे टाइम, वहाँ से हम इस इक्वेशन पर आ गए एफ इज इक्वल टू एम ए। इसी एफ इज इक्वल टू एम ए को बोला जाता है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है मोशन का, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, तो ये वो मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए किसके बराबर हो जाएगी, एफ बाय एम के बराबर। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि मास जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा होगा उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगी, उतनी ही कम होगी अगर आप एफ को क्या रखें, कांस्टेंट रखें। अब इसका क्या मतलब है, देखो मान लीजिए मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास कम है और एक ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास ज्यादा है। आप खुद सोचिए, अगर आप दोनों पर सेम फोर्स लगाएं, इस पर भी आप एफ फोर्स लगाएं और इस पर भी आप एफ फोर्स लगाएं, तो अगर कोई सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछे कि कौन सा ऑब्जेक्ट जल्दी चल पड़ेगा यानी कि वेलोसिटी में आ जाएगा, तो आप ये देखिएगा जिसका मास कम है वो ऑब्जेक्ट जल्दी मोशन में आ जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मास कम है इसीलिए इसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास ज्यादा है इसीलिए इसके अंदर एक्सेलरेशन कैसी होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि मैंने दोनों को कितना फोर्स दिया है, सेम फोर्स दिया है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि सेम फोर्स का मतलब है कि जब आप एफ को कांस्टेंट रखेंगे तो एक्सेलरेशन और मास एक दूसरे के उल्टे होंगे, जितना ज्यादा मास उतनी कम एक्सेलरेशन या जितना कम मास उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन। अब आप एक चीज यहां से और देख सकते हैं, F इज इक्वल टू एम ए जो हमारे पास फॉर्मूला आया है न्यूटन के सेकेंड लॉ के लिए, तो यहां से आप एक चीज देख सकते हैं और वो ये कि अगर M कांस्टेंट हो जाए, M कांस्टेंट हो जाए तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, या कह लीजिए कि एक्सेलरेशन जितनी कम होगी फोर्स भी उतना ही कम होगा। अब इसका क्या मतलब है, देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, आपने दोनों का मास सेम कंसिडर करना है, इसका भी मास m मान लीजिए और इसका भी मास आप कितना मान लीजिए m, तो अगर आप इस मास पर कम फोर्स लगाएंगे और इस मास पर भी कम फोर्स लगाएंगे तो दोनों मासेस की जो एक्सेलरेशन होगी वो भी कैसी होगी, कम होगी। लेकिन अगर आप दोनों मासेस पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो दोनों की एक्सेलरेशन भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो यही बात मैंने यही कही है कि फोर्स ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा और फोर्स कम तो एक्सेलरेशन कम, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, मास को कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ की डेफिनेशन की तरफ। तो सेकेंड लॉ की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, वो बोलती है फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। यानी कि अगर आपको ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम कम टाइम में चाहिए तो आपको फोर्स भी कैसा लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसी चीज़ को हम इस तरह लैंग्वेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज होता है। यानी कि जब आप ऊपर एक क्वांटिटी का चेंज और नीचे दूसरी क्वांटिटी का चेंज रख देते हैं तो इस तरह हम उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी। आप एक चीज ध्यान से देखिए ना कि जब मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो टाइम में भी तो चेंज हो रहा था। जब आपने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया तो फोर्स ने नेचुरली कुछ टाइम लेकर ही तो क्या किया था,
इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट किया था, तो कुछ तो टाइम उस प्रोसेस में लगता ही है। यानी कि जो आपकी वेलोसिटी बढ़ने का प्रोसेस है या आपके मोमेंटम बढ़ने का जो प्रोसेस है वो एकदम से नहीं होता, बल्कि वो कुछ ना कुछ टाइम लेकर के होता है। तो आप जब ये देखते हैं कि कितने टाइम के अंदर कितना मोमेंटम चेंज हुआ है, तो उस चीज को आप टेक्निकली रेट ऑफ चेंज भी बोल सकते हैं। यानी कि एक क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है और दूसरी क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, तो उनका जो रेशियो होगा उसी को बोला जाएगा रेट ऑफ चेंज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है, कि कितने टाइम के अंदर कितना मोमेंटम चेंज हुआ है, हाउ मच मोमेंटम हैज चेंज्ड इन हाउ मच टाइम। तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो कुल मिलाकर के ये जो चीज आपने लिखी है चेंज इन मोमेंटम बटे टाइम, इसी को बोला गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये चीज किसके बराबर है, फोर्स के। तो यही तो हमने लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आपका अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा तो इसका क्या मतलब है कि वो ज्यादा फोर्स बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा चेंज मोमेंटम के अंदर ले आएगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा मोमेंटम चेंज हो जाएगा अगर आपका फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि कितना मोमेंटम कितने टाइम में चेंज होगा, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पर डिपेंड करता है। क्योंकि फोर्स जितना ज्यादा होगा वो उतने ही कम टाइम में उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी बढ़ा देगा, और जितनी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी फाइनल वेलोसिटी, उतना ही चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक बार फिर से आप सोचिएगा कि जिस ऑब्जेक्ट की बात हम कर रहे थे उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा चेंज इन मोमेंटम चाहते हैं, तो नेचुरली वो चीज सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है कि उस ऑब्जेक्ट पर आप पीछे से फोर्स कम लगा रहे हैं या फिर ज्यादा लगा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज हाउ मच चेंज इन मोमेंटम अकर्स इन हाउ मच टाइम, इज ओनली डिपेंडेंट ऑन फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो यहां मैंने लिखा है कि फोर्स अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम भी ज्यादा होगा, और अगर फोर्स आप कम लगा पाएंगे तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा। ये जो नीचे एरो है इसका मतलब होता है डिक्रीज या फिर कम। तो आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं हाउ मच चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अकर्स इन हाउ मच टाइम, यानी कि कितना किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आएगा और कितने टाइम में आएगा, इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। इफ लार्जर फोर्स इज अप्लाइड देन लार्जर चेंज इन मोमेंटम इन स्मॉल टाइम विल टेक प्लेस, एंड इफ लेस फोर्स इज अप्लाइड देन लेस चेंज इन मोमेंटम विल टेक प्लेस। और यही चीज आप देखिए इस मैथमेटिकल एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं। देखिए ये 1 किलो का ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड और उसकी फाइनल स्पीड 1 सेकेंड के अंदर 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। यानी कि पीछे से क्या किया गया होगा, बहुत जोरदार फोर्स लगाया गया होगा। तो देखिए हमने मास और इनिशियल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके इसका इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया, और मास और फाइनल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके फाइनल मोमेंटम निकाल लिया। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, 10 - 1 यानी कि 9 हो गया। और इतना मोमेंटम चेंज होने में सपोज करो कि 1 सेकेंड लगा, सिर्फ 1 सेकेंड, तो जब आप फोर्स की वैल्यू निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम बटे टाइम वाला फॉर्मूला लगा करके, तो आप ये देखिए फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 9 न्यूटन। तो इसका कुल मिलाकर के मतलब क्या होगा,
कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट पर पीछे से 9 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे तो वो 9 न्यूटन का फोर्स केवल एक सेकंड में इस ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 से 10 इंक्रीज कर देगा, या फिर मोमेंटम 1 से 10 क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब देखिए, सिमिलर ही मैंने सिचुएशन ली है, वही 1 किलो का ऑब्जेक्ट यहां पर है और उसकी इनिशियल स्पीड भी कैसी है, सेम है। लेकिन इस बार आप देखिए, पहले तो उसकी फाइनल स्पीड केवल 10 हुई थी, अब की बार उसकी फाइनल स्पीड और भी ज्यादा यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड है। तो यहां पर तो आप देख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम पिछले केस के मुकाबले और भी ज्यादा हो गया। तो आप देखिएगा कि उसके मास और इनिशियल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके हमने इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया, मास और फाइनल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया, फाइनल मोमेंटम निकाल लिया। तो जब आप फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम घटाएंगे और ये देखेंगे कि कितना मोमेंटम कितने टाइम में चेंज हुआ है, तो मान लीजिए यहां पर वो टाइम भी 1 सेकेंड ही है पिछली बार की तरह, तो नेचुरली यहां पर आप देख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम 25-1 यानी कि 24 का हुआ। यानी कि पिछली बार तो क्या हुआ था, 9 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का मोमेंटम 1 सेकंड में चेंज हुआ था, और यहां पर 1 सेकंड में 24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का मोमेंटम में चेंज हुआ है। तो क्योंकि यहां पर मोमेंटम में चेंज जो है वो ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है कि टाइम तो दोनों केसेस में सेम था, लेकिन यहां पर क्योंकि मोमेंटम में चेंज ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि यहां पर अप्लाइड फोर्स भी क्या हुआ होगा, बहुत ज्यादा हुआ होगा। तो आप चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि यहां पर फोर्स कितना आ गया, 24 न्यूटन आ गया। तो आप इन दोनों एग्जांपल्स से ये चीज बड़े साफ देख सकते हैं कि अगर आप सेम टाइम के अंदर ज्यादा चेंज इन मोमेंटम चाहते हैं, जैसा कि इस केस में आपने देखा, तो आपको उसी प्रपोर्शन में फोर्स की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। यानी कि आप यहां देखिए कि इस केस के मुकाबले क्या था, चेंज इन मोमेंटम यहां कम था, लेकिन यहां पर चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है। तो वही तो हम बोल रहे थे कि जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम आपको चाहिए, उतना ही आपको फोर्स क्या करना पड़ेगा, ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप देखिएगा, इन दोनों कंडीशंस में मैंने जानबूझ करके टाइम को कैसा रखा था, कॉन्स्टेंट रखा था, ताकि एक फैक्टर को कॉन्स्टेंट रख के हमें चीजें बड़े आराम से समझ में आ सकें। तो यहां पर भी टाइम 1 सेकेंड था, यहां पर भी टाइम 1 सेकेंड था, लेकिन आप देख सकते हैं इस केस में चेंज इन मोमेंटम क्योंकि ज्यादा था, तो इस केस में फोर्स अप्लाइड भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। और इस केस में क्योंकि यहां के मुकाबले मोमेंटम में चेंज कम था, तो यहां पर फोर्स भी इस केस के मुकाबले कैसा लगा है, कम लगा है। तो लास्ट में मैं आपको बता दूं कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो सिर्फ ये कहना चाहता है कि कितने टाइम में आप कितना चेंज करवाना चाहते हैं मोमेंटम में, वो चीज किस पर डिपेंड करेगी, उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स पर डिपेंड करेगी। अगर आप कम टाइम के अंदर ज्यादा चेंज इन मोमेंटम चाहते हैं, तो आपको फोर्स क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा।